स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू में हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे ये फर्स्ट पार्ट में देखें। 2/3 की पावर क्या है? -4। ये -4 एक्सपोनेंट है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम 2/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 लिखेंगे हम जी। ये 3/2 आ गया और ये एक्सपोनेंट -4 है, इसको हम यहाँ +4 लिख देंगे, माइनस खत्म हो जाएगा जी। एक्सपोनेंट +4 हो गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें देखें -a की पावर क्या है? -2। अब हम -a को हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1/-a लिखेंगे हम जी। ये 1/-a आ गया। अब हम इसकी एक्सपोनेंट +2 लिखेंगे, ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये +2 इसका आंसर आएगा एक्सपोनेंट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, 100 की पावर -5 है, तो अब हम 100 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/100 आ जाएगा जी। ये 1/100 आ गया। अब इसकी एक्सपोनेंट हम माइनस के बगैर लिख देंगे यहाँ 5, ये +5 है। अब इसमें देखें 12 की पावर क्या है? -3। इसको हम 12 को भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/12 आ जाएगा जी। ये 1/12 आ गया और ये एक्सपोनेंट का माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3, +3। अब इसमें देखें -1/10, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/-1 आएगा जी। इसको रेसिप्रोकल किया तो 10/-1 आ गया। अब इसकी एक्सपोनेंट हम माइनस के बगैर यहाँ लिख देंगे 9। अब इस आंसर में देखें नीचे 1 आ गया, 1 हम ना भी लिखें तो फिर भी आंसर ठीक है, और ये माइनस हम 10 के साथ लगा देंगे, जिसका ये आंसर है -10^9 जी। अब लास्ट पार्ट में देखें, x/y है, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, y/x लिख देंगे, तो इसकी ये एक्सपोनेंट का माइनस खत्म हो जाएगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट का आंसर है y/x की पावर b, ये पॉजिटिव भी है। अल्लाह हाफिज़।